हम दो नाम सीख चुके हैं, कौन से दो नाम सीख चुके हैं? अर-रहमान और अर-रहीम। अर-रहमान कहाँ सुने हमने कुरान में, कहाँ देखे हमने? अर-रहमान कहाँ है बताओ, अर-रहीम कहाँ है बताओ, कुरान में कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहाँ है कुरान में? कहाँ है जल्दी बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह में कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहाँ है? अर-रहमान रहीम। वेरी गुड, माशाल्लाह आपको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर-रहमान रहीम। तो अर-रहमान और अर-रहीम ये दो नाम अल्लाह के, और याद रखो अल्लाह ताला की सिफत है रहम करना। अल्लाह ताला रहम करने वाला है। इंसानों के दिल में भी रहम है ना, वो अल्लाह की वजह से। कभी आपने किसी को देखा है तकलीफ में? तकलीफ में देखा है? जैसे कि एक आंटी, बूढ़ी आंटी रोड पे खड़ी है और बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, तो उनको उनकी हेल्प करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, किसी को तकलीफ में देखते हैं तो कैसा लगता है, दिल को कैसा लगता है? एकदम बुरा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने दिल में रहम डाला है हमारे। किसने रहम डाला है हमारे? अल्लाह ताला ने। अच्छा याद रखो अल्लाह ताला रहम जो करता है, खाना देता है, पानी दे रहा है, हवा सांस ले रहा है, ये हवा किसने दी? अल्लाह ताला ने। सन दिया, सन की लाइट होती है। अल्लाह ताला ने ग्रास और ये ट्रीज और ये सारी चीजें दी, ये हाथ दिए अल्लाह ताला ने। मुझे बताओ ये अल्लाह ताला ने सिर्फ नेक लोगों को दिए या गुनाह करने वाले लोगों को भी दिए? सोचो कितने सारे लोग हैं जो गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, अल्लाह ताला उन पे भी रहम करता है। अल्लाह ताला उन पर भी रहम करता है। अल्लाह के जो नामों में नाम है ना, अर-रहमान, अर-रहमान जो नाम है ना, अर-रहमान का मतलब बड़ा मेहरबान, बड़ा मेहरबान, सब पे मेहरबानी करता है, सब पे रहम करता है, नेक लोगों पर भी करता है, गुनाह करने वालों पर भी करता है। हो सकता है गुनाह करने वाले तौबा कर लें, हो सकता है गुनाह करने वाले नेक बन जाएं। अच्छा मालूम है कितने सारे गुनाह करने वाले लोग हैं वो नेक बन जाते हैं, मालूम है आपको? हाँ। और अगर मरने से पहले तक भी वो लोग नेक बन जाएं तो अल्लाह ताला उन्हें माफ करने तैयार है। अर-रहमान अल्लाह ताला के नामों में क्या नाम है? अर-रहमान। खाना देता है, किसे देता है? सिर्फ नेक लोगों को अल्लाह खाना देता है। तुम गुनहगार हो और तुम गलत हो, किसी गलत लोगों को खाना देता है अल्लाह ताला? गलत लोग भूखे मरते हैं? नहीं। नेक लोगों को खाना मिलता है, गलत लोग भूखे मरते हैं? जल्दी बताओ। नो। बताओ बताओ बताओ। नहीं। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। हम लोगों को खाना दे देते हैं। यस अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गलत काम करने वालों को भी अल्लाह ताला खाना देता है, और हम भी दिए तो देने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन मरने के बाद अल्लाह ताला जो लोग गलत काम करते हुए सजा के मुस्तहिक बने हैं उन्हें सजा मिलेगी, क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट तो आएगा ना। एग्जाम हो रिजल्ट ही नहीं आया, ये सही गलत है? गलत। देखो यहाँ सब मिक्स है ना, मिक्स। लेकिन मरने के बाद एक जिंदगी आएगी, वहां सब मिक्स नहीं होगा, सब अलग होगा। नेक लोगों को इनाम मिलेगा, गलत काम करने वालों को सजा मिलेगी। और वो दिन हम लोग कहाँ चाहते हैं? हम लोग कौन से लोगों में बनना चाहते हैं? नेक लोगों में। हम लोग गुनाह करने वालों में से बनना चाहते हैं? जिन्हें सजा मिलेगी उनमें से बनना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं बनना चाहते। हाँ बिल्कुल नहीं बनना चाहते। अब बच्चों ये बताओ कि ये है मामला, अल्लाह ताला कितना रहम करता है ना? बहुत। सब पे रहम करता है, और अल्लाह ताला रहमान भी है और रहीम भी है। रहीम जो है याद रखो, रहीम खास तौर से मोमिनों के लिए है, हाँ ईमान वालों के लिए। रहमान सबके लिए, रहीम खास ईमान वालों के लिए, और रहमान दुनिया में सबके लिए है, रहीम खास तौर से आखिरत के ताल्लुक से है। क्योंकि आखिरत में जब अल्लाह के सामने जाएंगे ना और नेक काम करके जाएंगे ना, तो पता है आपको अल्लाह ताला बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं, बहुत बड़ा। अच्छा पता है आपको जन्नत में कितना मिलेगा, क्या मिलेगा? थोड़ा सा मिलने वाला है? जैसे भी यहाँ पे ये है, ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए, ऐसा मिलेगा? नहीं, बहुत सारा मिलने वाला है जन्नत में। लेकिन किसे मिलेगा वहां पे? वो जो रहम होगा अल्लाह के, नेक लोगों को। तो दो नाम याद रखेंगे इंशाल्लाह, अर-रहमान और रहीम। कितना याद रखना है? देखो याद रखो अल्लाह रहम करने वाला है, ये हमने पहले भी सीखा था, आज फिर से रिवाइज किया। हाँ हाँ, अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है।
प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।